आज के लेक्चर में क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 21 पर पहुंच चुके हैं। इसके तीन पार्ट्स हैं ए बी और सी। तो ए पार्ट्स हमारे पास है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये फंक्शन है वो आपको बता दें। मान लीजिए कोई भी दो फंक्शन है, एक जी एक्स है और एक एच एक्स है। जैसे मान लीजिए जी एक्स यहाँ साइन एक्स है और एच एक्स यहाँ एच एक्स क्या है cos x। ये sin x और ये cos x। अगर ये कंटिन्यूस है, अगर ये कंटिन्यूस है तो दोनों का सम और सब्सट्रैक्शन दोनों कंटिन्यूस होंगे, यानी एच एक्स प्लस हो चाहे माइनस हो जी एक्स, तो ये भी क्या होंगे कंटिन्यूस। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये कंटिन्यूस है, तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से लिख सकते हो दोनों का प्लस माइनस भी क्या होता है कंटिन्यूस होता है, लेकिन एक नंबर तक तो ये जायज है। लेकिन अगर इसमें बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर किस तरह से करेंगे, फिर इसको हम कंप्लीट जो हमारा वर्किंग रूल है उसके हिसाब से करेंगे। तो वर्किंग रूल के हिसाब से करें तो सबसे पहले इन फंक्शंस को, यहाँ पर अलग अलग फंक्शन है, इसको सिंगल फंक्शन में चेंज करेंगे और फिर हम प्रूव करेंगे। तो सिंगल फंक्शन में कैसे इसको चेंज करेंगे, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी डिवाइड कर दें, तो साइन एक्स इंटू 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 ओवर अंडर रूट 2। तो क्या बनाना क्या चाहते हैं हम इस पर बात करें, हम बनाना चाहते हैं साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो किसके बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी ये बनाना चाहते हैं, तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाई फोर किसके बराबर होता है 1 ओवर, इसी तरह साइन पाई बाई फोर किसके बराबर होता है 1 ओवर अंडर रूट 2। तो हम ये यहां पर यूज करेंगे और ये आइडेंटिटी लगाएंगे। कैसे होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन एक्स कॉस बी मतलब कॉस पाई बाई फोर प्लस कॉस ए साइन पाई बाई फोर 1 ओवर अंडर रूट 2 की जगह ये चेंज कर दिया, अब ये आइडेंटिटी बन गई अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर, क्योंकि ए की जगह पर एक्स है बी की जगह पर पाई बाई फोर है। अब ये सिंगल फंक्शन है, इसको हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए, ए इज एनी आर्बिट्ररी, तो ए पर चेक करेंगे तो डेफिनेशन क्या कहती है, बाय डेफिनेशन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इफ एट ए की बात कर रही है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी तीनों निकाल लेंगे। अगर ये तीनों फंक्शन सेम आ जाते हैं, इनकी वैल्यू सेम आ जाती है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज यह है कंटिन्यूस नहीं है। तो देखिए पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, तो नेगेटिव है स्लाइटली थोड़ा सा कम है, तो पुट कर दें इसको एच एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच यानी स्लाइटली लेस, हेयर एच अप्रोचेस टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू ए, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा ए माइनस एच, यानी फंक्शन में यहां एक्स होगा वहां ए माइनस एच डाल देंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो तो फंक्शन कहां है एक्स प्लस पाई बाई फोर यानी अंडर रूट टू साइन ए माइनस एच प्लस पाई बाई फोर, तो लिमिट पुट कर दें डायरेक्ट इसके अंदर अंडर रूट टू साइन ए माइनस जीरो प्लस पाई बाई फोर, तो अंडर रूट टू साइन ए प्लस पाई बाई फोर, तो ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही हम राइट हैंड निकालेंगे और डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट लिमिट
x अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव ऑफ x, पॉजिटिव है तो स्लाइटली ग्रेटर है तो पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू ए प्लस एच, h अप्रोचेस टू जीरो एज x अप्रोचेस टू ए, क्या बन जाएगा फंक्शन लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, तो फंक्शन x की जगह पर a प्लस एच आ जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन कौन सा है, ये रहा, तो देखिए लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो अंडर रूट टू साइन a प्लस एच प्लस पाई बाई फोर, तो वैल्यू पुट कर दें, लिमिट निकाल दें, साइन a प्लस जीरो प्लस पाई बाई फोर अंडर रूट टू साइन ए प्लस पाई बाई फोर। देखिए लेफ्ट और राइट तो दोनों बराबर आ चुकी हैं, राइट हैंड लिमिट। अब हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्ट एफ ऑफ ए, यहां पुट करें एक्स की जगह पर ए अंडर रूट टू साइन ए प्लस पाई बाई फोर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये तीनों हमारे बराबर आ चुके हैं। तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरी वेयर, तो एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है, देखिए मैंने पहले भी बताया था कंटिन्यूस है, और करना हो तो इस वर्किंग रूल के द्वारा हम इसको। नंबर 21 का बी पार्ट्स, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर मैं आपको बात बताना चाहूंगा, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक जी एक्स है मान लीजिए और एक कौन सा है एच एक्स, अगर ये भी कंटिन्यूस है और ये भी क्या है कंटिन्यूस है, तो इनका जो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, वो भी क्या होता है कंटिन्यूस। मतलब कहने का साइन एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है, पहले बताया हुआ है लेक्चर में, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस है, और दोनों की सब्सट्रैक्शन भी क्या होगी कंटिन्यूस होगी। ये तो अगर एक मार्क्स में आता है क्वेश्चन, वन मार्क्स में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अगर आप इसको तीन या फाइव मार्क्स में करना चाहते हैं तो किस तरह से इसको प्रूव करेंगे वो हम अब करके देखते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दें ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको हम सिंगल फंक्शन बनाएंगे, किस तरह से एफ एक्स अंडर रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, वन ओवर अंडर रूट टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वन ओवर अंडर रूट टू, तो वन ओवर अंडर रूट टू को हम इस फॉर्मूले में लेकर आएंगे, जैसे मान लीजिए कॉस पाई बाई फोर किसके बराबर होता है वन ओवर अंडर रूट टू, इसी तरह साइन पाई बाई फोर वन ओवर अंडर रूट टू। तो यहां पर हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, कौन सा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसके बराबर साइन ए माइनस बी। तो देखिए साइन ए तो हमारे पास है, कॉस बी बनाने के लिए इसको हम कॉस पाई बाई फोर लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू वन ओवर अंडर रूट टू को हम क्या लिख दें कॉस पाई बाई फोर, यानी साइन एक्स कॉस पाई बाई फोर प्लस कॉस एक्स इसको क्या लिख दें साइन पाई बाई फोर। तो ये फॉर्मूला बन गया, यहां माइनस है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर, तो अंडर रूट टू भी क्या है इसके साथ में है। तो अब हम सिंगल फंक्शन बना लिया है, तो अब हम इसको चेक करेंगे कंटिन्यूस है कि नहीं। तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए, ए पर हम इसको चेक करेंगे, तो बाई डेफिनेशन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लिमिट x approaches to a positive of fx is equal to limit x approaches to a negative of fx is equal to f of a। तो ये तीनों अगर बराबर हो जाती हैं तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट,
लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव ऑफ fx, नेगेटिव को हम रिमूव करें h में लेकर आए तो पुट x इज इक्वल टू a माइनस h, हियर h अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू a, तो ये हम पुट करने जा रहे हैं तो लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x की जगह पर a माइनस h, तो फंक्शन हमारे पास कौन सा है ये रहा, इस फंक्शन में हम पुट कर देंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 2 साइन a माइनस h प्लस पाई बाई 4, तो लिमिट की वैल्यू पुट कर दें अंडर रूट 2 साइन a माइनस 0 प्लस पाई बाई 4 अंडर रूट 2 साइन a प्लस पाई बाई 4, तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट अंडर रूट 2 साइन a प्लस पाई बाई 4। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव ऑफ fx, तो यहां पर पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू a प्लस h, हियर h अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू a, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी फंक्शन में हम x की जगह a प्लस h दे देंगे, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 2 साइन a प्लस h प्लस पाई बाई 4, तो लिमिट पुट कर दें अंडर रूट 2 वैसे का वैसा साइन a प्लस 0 प्लस पाई बाई 4 अंडर रूट 2 साइन a प्लस पाई बाई 4, तो ये आ गई राइट हैंड लिमिट। अब ये क्या आ गया हमारे पास राइट हैंड लिमिट, अब तीसरा हम निकालेंगे f ऑफ a, नाउ f ऑफ a डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें x की जगह पर a अंडर रूट 2 साइन a प्लस पाई बाई 4, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर तीनों बराबर हैं तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। उम्मीद है ये समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का सी पार्ट है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मैं फिर बताना चाहूंगा आपको मालूम है यहाँ साइन एक्स भी कंटिन्यूस है कॉस एक्स भी कंटिन्यूस है, मान लीजिए दो फंक्शन है जी एक्स और एक क्या है एच एक्स, ये दोनों कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस और ये भी कंटिन्यूस, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा कंटिन्यूस, प्रोडक्ट भी क्या होगा कंटिन्यूस, तो फंक्शन तो ये कंटिन्यूस है एक नंबर में है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो और इस तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो यहां पर करेंगे कैसे आइए देखते हैं, पहले इसको सिंगल फंक्शन बनाएंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फार्मूला हमारे पास तैयार है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है साइन 2x, तो क्या बन गया एफ एक्स साइन 2x बाई 2, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको चेक करेंगे कहां पर चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू a, a इज एनी आर्बिट्ररी, तो यहां से चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे हम पहले निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, फिर निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, फिर क्या निकालेंगे f ऑफ a, अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो यह है कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, अगर नेगेटिव लेंगे स्लाइटली लेस देन a देन पुट x इज इक्वल टू a माइनस h, हियर h अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू a, तो लिमिट
h अप्रोचेस टू जीरो, तो x की जगह पर क्या रख देंगे, a माइनस एच, f ऑफ a माइनस एच, यानी लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, तो एफ एक्स हमारे पास ये है, तो साइन टू ए माइनस एच डिवाइड बाई टू, तो लिमिट पुट कर दें आप, तो साइन टू ए माइनस जीरो डिवाइड बाई टू दैट इज इक्वल टू साइन टू ए ओवर टू, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, कितनी आ गई साइन टू ए ओवर टू। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, तो यहां पर भी पुट करें, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, हेयर एच अप्रोचेस टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स अप्रोचेस टू ए, तो क्या बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, इसका मतलब लिमिट एच अप्रोचेस टू ए प्लस एच, यानी इस फंक्शन में x को क्या लिख देंगे a प्लस एच, तो साइन 2a प्लस एच ओवर 2, तो लिमिट पुट कर दें, साइन 2a प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 2a ओवर 2, तो ये आ गई हमारे पास राइट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं डायरेक्ट वैल्यू, यानी कि f ऑफ a, f ऑफ a, तो इसमें पुट कर दें आप साइन 2a डिवाइड बाई 2, आप देख सकते हैं तीनों वैल्यू सेम है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू साइन 2a ओवर 2, तो सो fx इज कंटिन्यूअस एवरी वेयर, तो हर जगह पर यह है कंटिन्यूअस।